हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, धर्माज क्रॉप गार्ड आईपीओ का आज डेट जो है सो टेंटेटिव डेट जो है आ चुका है, और आज के इस वीडियो में हम लोग इन सभी इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे जिसका बहुत ज़्यादा वेट किया जा रहा था। धर्माज क्रॉप आईपीओ जो है इसका बहुत ज़्यादा वेट किया जा रहा था जिसका टेंटेटिव डेट अब आ चुकी है। इसके प्राइस के बारे में आज डिस्कस करेंगे, इसकी जीएमपी क्या चल रही है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस, हम लोग इसका जो है सो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट इन सभी दोनों को हम लोग यहाँ पर आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइज, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर और बेल आइकन को जो दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये आईपी जो है 28 नवंबर, जैसे मैंने देखा टेंटेटिव डेट आ चुकी, तो 28 नवंबर का डेट रखा गया है। और इससे पहले मैंने जब वीडियो बनाई थी गाइज, तो मैंने बताया था कि कंपनी जो है 25 नवंबर को आएगी, लेकिन गाइज वो पोस्टपोन कर डेट जो है पोस्टपोन कर दिया गया था। जो अब फ्रेश डेट आ चुकी 28 नवंबर का। कंपनी जो है यहाँ 2015 में इनकॉर्पोरेट हुआ था धर्मराज क्रॉप गार्ड लिमिटेड के नाम से, जो कि एक आर्क्यूल केमिकल कंपनी है। कंपनी जो है यहाँ पे जो बिजनेस करती है, ये मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग और मार्केटिंग करती है एक वाइड रेंज का एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशंस का। मतलब ये कंपनी जैसे एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशंस का मार्केटिंग करती है, ये बिजनेस करती है, जैसे इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, माइक्रो फर्टिलाइजर्स और एंटीबायोटिक्स जो है सो इसका बिजनेस करती है। डायरेक्टली जो है सो बिजनेस टू कस्टमर, B2C और B2B कस्टमर्स, मतलब कि बिजनेस टू कस्टमर और यहाँ बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर्स का जो है यहाँ पे सेल करती है कंपनी। कंपनी खुद से यहाँ पे जो है सो क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशन का भी जो है सो ये प्रोवाइड कराती है, जो कि फार्मर्स को, जिससे यहाँ पे उनको असिस्ट कर सके अपने प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए। इसलिए धर्मराज क्रॉप गार्ड जो है ये मतलब अपने प्रोडक्ट्स को लगभग 20 कंट्रीज से भी ज़्यादा जो है सो एक्सपोर्ट करती है, जिसमें से लैटिन अमेरिका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज और मिडिल ईस्ट और फार ईस्ट एशिया जैसी कॉन्टिनेंट में यहाँ पे कंट्रीज में जैसे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है। और 30 नवंबर 2021 का डेटा के अकॉर्डिंग धर्माज क्रॉप गार्ड लिमिटेड जो है ये अराउंड इसके 196 इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट्स से भी ज़्यादा इसके जो है प्रोडक्ट्स थी, और लगभग जो कि 600 कस्टमर्स में, जो कि इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में लगभग जो है सो 600 कस्टमर्स से भी ज़्यादा जो है सो सेल कर चुकी है। और 30 नवंबर 2021 उसी टाइम के डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी ने यहाँ पे अराउंड 60 कस्टमर से भी ज़्यादा जो कि 20 कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर चुकी है। तो देख सकते हैं इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस अब तक है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, एक अच्छी बात है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी जो है बहुत ही अच्छे एरिया में है, अहमदाबाद गुजरात में है, क्योंकि जो भी कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अहमदाबाद गुजरात में होती है गाइस, तो वो मान सकते हैं कि क्योंकि अहमदाबाद जो है ये एक कोई भी केमिकल सेक्टर के लिए एक बेस्ट एरिया माना जाता है, बहुत ही अच्छी लोकेशन मानी जाती है। तो ये इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जैसे अहमदाबाद में है। धर्माज क्रॉप गार्ड जो है यहाँ पे इसकी खुद की मतलब कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, मतलब R&D सेंटर इसी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में। तो कंपनी बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे। कंपनी का जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है ये अराउंड 12 स्टेट्स में जो है अपने खुद के नेटवर्क कॉम्प्राइज, जो कि 3700 डीलर्स के साथ जो है यहाँ पे अपने 12 स्टेट्स में प्रोडक्ट्स को सेल करती है, जो कि अराउंड यहाँ पे 8 स्टॉक डिपो है इसके इंडिया में। 30 नवंबर के ही डेटा के बात कर रहा हूँ मैं, 8 स्टॉक डिपो भी है कंपनी का खुद का लगभग इंडिया के अंदर। तो एक अच्छी बात है। और यहाँ रेवेन्यू जो है इसके ऑपरेशन से जो रेवेन्यूज होती है फिनेंशियल फिजिकल 2019-2020-21 में और 7 मंथ्स पीरियड में, तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो कंपनी जो है 139 करोड़ का था, फिर 198 करोड़, 302 करोड़ और 227 करोड़। तो गाइस यहाँ पे रेवेन्यूज भी लगातार इंक्रीज करिए, फिनेंशियल्स पे मैं आगे बात करूँगा, लेकिन फिर भी गाइस अभी अगर देखा जाए तो कंपनी जो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस अब तक देखने को मिल रहा है, कोई भी निगेटिव पॉइंट इसमें निकल के नहीं आ रही है। और लेकिन हाँ, निगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट, जिस तरह से कंपनी परफॉर्मेंस देती है इसके अकॉर्डिंग कंपनी का जो है यहाँ पे कंपटीटर बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा ये पॉइंट निगेटिव पॉइंट, इसलिए कंपनी को मार्केट में सस्टेन करने के लिए तरह तरह के जो है सो अपने नए नए मतलब कि स्कीम वगैरह को लाना पड़ेगा सस्टेन करने के लिए। लेकिन यही थोड़ा सा एक मुझे निगेटिव पॉइंट लगता है, क्योंकि कंपटीटर बहुत ज़्यादा है इसके इस सेगमेंट में। तो गाइस अब हम लोग चलते हैं इस आईपीओ के फिनेंशियल्स की और थोड़ा डीपली बात कर लेते हैं फिनेंशियल्स पे।
तो जैसा कि यहाँ देखा जाए तो फिनांशियल जो है कंपनी का 19 के अकॉर्डिंग, मतलब फिनांशियल 19 के अकॉर्डिंग 47 करोड़ का था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एसेट्स जो है सो लगातार इंक्रीज करिए 2021 और 22 में, जो कि 2.1 करोड़, सॉरी 219 करोड़ का यहाँ पे एसेट्स देखने को मिल रहा है। और जुलाई 22 मंथ में अगर देखा जाए तो 305 करोड़ का यहाँ पे एसेट्स देखने को मिला था। और यहाँ पे रेवेन्यूज़ अगर देखा जाए तो रेवेन्यूज़ भी बहुत ही शानदार तरह से यहाँ पे इंक्रीज होती हुई नज़र आई है। 139 करोड़ का था फिनांशियल ईयर 19 में, उसके बाद यहाँ पे 199 करोड़, और उसके बाद 303 करोड़, फिर 396 करोड़ पे अब तक रेवेन्यूज़ देखने को मिला है। जुलाई से अब मंथ में यहाँ पे 221 करोड़ का रेवेन्यूज़ देखने को मिला। गाइज यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट ये निकल के आ रहा है, कंपनी के रेवेन्यूज़ तो बहुत ही शानदार ग्रोथ हो रही है, लेकिन कंपनी के रेवेन्यू के अकॉर्डिंग प्रॉफिट उतना अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिला। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रही है कंपनी की यहाँ पे, जो कि 5 करोड़ का एक्सपेंसेस देखने को मिल रहा है, 10 करोड़, सॉरी प्रॉफिट 5 करोड़ का है, 10 करोड़ का फिर उसके बाद इंक्रीज हुआ, फिर 20 करोड़, फिर 28 करोड़। तो रेवेन्यू के अकॉर्डिंग प्रॉफिट उतना अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। ग्रोथ तो है प्रॉफिट में, लेकिन उतना अच्छा ग्रोथ नहीं है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रही है कंपनी का। जुलाई क्वार्टर में या जुलाई मंथ में यहाँ पे 18 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था, नेटवर्थ कंपनी का 10 करोड़ का देखने को मिल रहा है। 35 करोड़ पे इंक्रीज हुआ, 5682 करोड़ पे यहाँ पे नेटवर्थ देखने को मिल रहा है फिनांशियल 22 में। उसके बाद अभी अगर देखिएगा तो जुलाई में यहाँ पे 101 करोड़ का यहाँ पे नेटवर्थ देखने को मिला है। डेट कंपनी का 20 करोड़ का देखने को मिला, जो कि फिनांशियल 19 में, लेकिन उसके बाद यहाँ पे 20 करोड़ का ही था, फिर उसका 36 करोड़ यहाँ पे डेट देखने को मिला। डेट थोड़ा सा ही देखने को मिला, लेकिन जुलाई महीने में देखिएगा तो यहाँ पे 4 महीने के अंदर अंदर कंपनी ने बहुत ज़्यादा डेट लिया है, और अभी 51 करोड़ के आसपास की डेट देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा डेट ज़्यादा है, लेकिन फिर भी गाइज यहाँ पे मार्केट में सस्टेन करने के लिए कंपनी को डेट तो लेना ही पड़ेगा, जिससे कंपनी बिजनेस को अपना एक्सपेंड कर सके। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे कंपनी जो है अपने साखे भारूच गुजरात में एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप करना चाहती है, जिसके लिए कंपनी को कैपेक्स चाहिए। उसके साथ साथ कंपनी इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहती है, और कंपनी पे जो लोन है 51.56 करोड़ का, इसका जो है सब रीपेमेंट या फिर प्री पेमेंट करना चाहती है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए IPO लाया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी बहुत ही शानदार तरह से यहाँ परफॉर्मेंस हो रही है। अब हम लोग बात करते हैं इसके टेंटेटिव डिटेल्स का, जो कि टाइम टेबल है, प्राइस क्या रखा गया, इस पर हम लोग अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो गाइज ये IPO जो है सो 28 नवंबर, मतलब मंडे के दिन ये ओपन हो रहा है, 30 नवंबर को ये क्लोज हो जाएगी। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू रखा गया, 216 to 237 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड रखी गई, 60 शेयर्स की लॉट साइज़ है, 251 करोड़ का इशू साइज़ है, जिसमें 216 करोड़ का फ्रेश इश्यू और 35 करोड़ का ऑफर फॉर शेयर लाया जा रहा है। बुक बिल्ड इशू IPO NSE BSE दोनों में लिस्टेड हो रही है। यहाँ पे QIB को 50% का ऑफर दिया गया है, NIIM 15% का ऑफर, और रिटेलर्स को 35% का ऑफर दिया गया है। अलॉटमेंट डेट जो है 5 दिसंबर का रखा गया है, 6 दिसंबर का रिफंड इनिशिएट रखा गया है, 7 जिस दिन रिफंड इनिशिएट हो उसी दिन शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी, और 8 दिसंबर को लिस्टिंग डेट रखा गया। अमाउंट जो है मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 60 शेयर्स आपको मिलेंगे, और 14,220 रुपीज़ का आपको मैक्सिमम अमाउंट पे करना पड़ेगा इस IPO में। अगर प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 100% की प्री इशू होल्डिंग है, और पोस्ट इशू मतलब अलॉटमेंट होने के बाद 73.03 रुपीज़ का, सॉरी 73% का होल्डिंग्स रह जाएगा। अब हम यहाँ बात करते हैं इस IPO में अप्लाई करना चाहिए फिर, तो गाइज अगर देखिए धर्मराज क्रॉप गार्ड जो कंपनी है ये एग्रोकेमिकल सेगमेंट में काम करता है, और लगभग जो है एक निश प्लेस जो है सो B2C और B2B मॉडल के थ्रू एक निश प्लेस क्रिएट कर चुका है। इसलिए अभी इसका देखा जाए तो एक स्टेडी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, इसके टॉप और बॉटम लाइन में दोनों में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सभी मैंने कहा फिनांशियल्स में बहुत ही अच्छा शानदार देखने को मिला है, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है। और इसके अकॉर्डिंग अगर इसका प्राइस की बात करें तो प्राइस गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्राइस में ये IPO मिल रहा है, इसलिए अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं गाइस तो आपको एक बहुत ही अच्छा रिटर्न्स कंपनी बना के देगा। बाकी अभी लिस्टिंग के बारे में बात करें तो लिस्टिंग गाइस ये तो सब्सक्रिप्शन पर ही डिपेंड करता है, GMP पर डिपेंड करता है कि कंपनी का लिस्टिंग कैसा मिल सकता है, लेकिन फ्यूचर के लिए कंपनी बहुत ही शानदार है, आपको लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत ही अच्छा पैसा बना के देगी। तो अगर आप लोग इसमें अप्लाई करता करना चाहते गाइस तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बाकी अपना ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
और अगर आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप जीरोधा से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंजल वन से आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप इससे क्लिक करके आप अपने डीमैट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पे दबा के ऑल कर सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। गाइस अब हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।